उम्मीद है कि फाइनलाइज होगा, उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझको जिम्मेदारी सौंपी गई है और राघव चड्ढा से ये दो दिन में मेरी ये दूसरी या तीसरी मुलाकात थी। वी आर एक्सचेंजिंग द लोकेशंस, नंबर्स एटसेट्रा, बात करते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है एक दो दिन में कुछ न कुछ नतीजा निकलेगा। आज सर उनकी पार्टी की तरफ से संदीप पाठक ने जो बयान दिया, कहा कि हम तैयारियां कर रहे हैं सभी सीटों पर पूरी जोर से चुनाव लड़ने की, कहीं ना कहीं ये भी देखा गया कि बात नहीं बन पाई, लेकिन आपने जिस अनुभवी नेता की तरह बात को संभाला, आपको लगता है कि गठबंधन जो छेड़ा गया है उसको आप पूरा करेंगे या अधूरा बीच में रह जाएगा? इट डिपेंड्स। मैंने पहले दिन ही कहा कि दोनों पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन बनता है तभी उसका कोई नतीजा निकलता है, तो उसके लिए मेरे प्रयास हैं। और जो है संदीप पाठक जी ने जो कुछ कहा, जो उसमें कहा, हर पार्टी का अपना एक रुख होता है, एक स्ट्रेटेजी होती है, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड का एक जो कहते हैं स्ट्रेटेजी भी होता है, उसको मैं बहुत ज़्यादा संज्ञान नहीं लेता हूँ, इसलिए कि वो एक पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी होता है, तो वो उसका अधिकार है वो कहने का। मगर बड़ी सिंसियरिटी से जो है हम प्रयास कर रहे हैं कि ये बात बन जाए। आपने सर मुझसे ही ये कहा था कि हम बहुत सिंगल डिजिट में और बहुत कम नंबर आम आदमी पार्टी, क्या अभी भी वही परिस्थिति है? क्या वो तैयार है इस बात से, क्योंकि उनकी भी रजामंदी बहुत जरूरी है? वो जो है मैं समझ रहा हूँ कि वो भी तैयार हो जाएंगे। विन विन सिचुएशन किसको कहते हैं? क्या कोई, क्योंकि आप सर मैं माफी चाहूंगा आपका वक्त ज्यादा ले रहा हूँ, 31 सीटों पर आपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, क्या कोई ऐसी सीट भी है जिसपे आम आदमी पार्टी चाह रही है कि बदले? होगा। इसमें मुझको नहीं पता, इतना डिटेल स्टडी मैंने नहीं किया, मगर हो जाएगा भैया। कोई प्रमुख सीटें जो वो मांग रहे हो? ऐसा मैं आपको मैं नहीं बता सकता, शेयर भी नहीं कर सकता। क्या हम दो दिन में उम्मीद करें आप लोग आम आदमी पार्टी के साथ? हाँ, कुछ होगा वो मैं कह सकता हूँ कि नतीजा आपको कह सकता हूँ, दो दिन में नतीजा मिलेगा, मगर उसके अलावा आप मुझसे कुछ ज्यादा पूछोगे तो मैं नहीं शेयर कर पाऊंगा।